नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूं कि ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान हम कौन कौन से धागे यानी कि सूचर्स का यूज करते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूं जितने भी टाइप्स के मेरे पास सूचर अवेलेबल हैं, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी और ओपन करके कि वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं। अभी मेरे पास ये 4 सूचर अवेलेबल हैं, बट ये होते यही हैं, लेकिन इनकी जो नंबरिंग होती है वो अलग अलग होती है साइज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखिए कटगेट क्रोमिक है, ये सूचर क्रोमिक सूचर है। तो ये कितने 4 मीटर्स का होता है, 76 सेंटीमीटर का। तो ये एब्जॉर्बल होता है बॉडी के अंदर। तो जो ये सूचर होता है वो एब्जॉर्बल होता है एंड ये सबसे ज़्यादा लाइगेशन यानी नसबंदी करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑटोमेटिक टिश्यू के अंदर घुल जाता है यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये देखिए ये 0 है साइज इसका, और ये अलग अलग साइज का आता है, 02, 30, 40, 50, मतलब इस तरीके से इसकी नंबरिंग बढ़ती रहती है। तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये बना रहता है, और ये इसका MRP होता है 121 का समथिंग ये मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली इसको गायनिक में यूज करते हैं, तो उसलिए यूज करते हैं जब लाइगेशन करते हैं यानी कि नसबंदी करने में। तो ये आपने देख लिया, इसकी जो निडिल होती है वो सी शेप्ड की होती है एंड काफ़ी शार्प होती है, ताकि क्या वो जो भी टाई करते हैं या सूचरिंग करते हैं उसमें वो अच्छे से हेल्प करें। एंड मैं दिखाने वाली हूँ कि जो क्रोमिक है वो आपको किस तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए मैं इसको करती हूँ ओपन, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये लिक्विडी फॉर्म में रहता है और इस तरीके से निकलता है। ये थोड़ा सा एब्जॉर्बल रहता है एंड लाइगेशन करने, ये देखिए जो इसकी निडिल होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो वाइक्रल है 180-90 उससे थोड़ी सी छोटी होती है, ये देखिए, और एथलॉन की बड़ी होती है। और जो इसका मटेरियल होता है वो इस तरीके से होता है, हल्का सा ब्राउनिश होता है उसका होता है डार्क ब्लू कलर का। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्रोमिक कौन सा है एंड वाइक्रल कौन सा है। तो ये अगला सूचर है 180 सेंटीमीटर, यानी कि इसको बोलते हैं वाइक्रल 180। तो ये 180 होता है, तो इसमें से ये 4 मीटर का होता है और ये एब्जॉर्बल सूचर होता है यानी कि टिश्यू के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें से 2 निडिल होती है, एक होती है रिवर्स कटिंग और एक होती है राउंड बॉडी। तो इसमें भी राउंड बॉडी होती है, तो जो राउंड बॉडी निडिल होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। तो मैं ये आपको दिखा दूं कि ये राउंड बॉडी की निडल किस तरीके से होती है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से ये कितनी शार्प है, और ये देखिए ये भी सी शेप्ड की होती है, लेकिन और ये भी सी शेप्ड की होती है, बट इसका आप ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ये उससे ज़्यादा शार्प है। तो ये आप समझ के रिवर्स कटिंग आप इसको बोलेंगे, और ये सूचर कटिंग है यानी कि प्लेन है और ये रिवर्स है। तो जब हम इस निडल का यूज करते हैं उस टाइम पर जब बहुत ही ज़्यादा हार्ड टिश्यू होता है, तो क्योंकि इसमें से यूज करेंगे तो उतने ज़्यादा ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी और अच्छे से सूचरिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हम इस राउंड बॉडी का यूज करते हैं ज़्यादातर। जैसे रेक्टस सीध है सिजेरियन में, LSCS में, तो उस टाइम पर हम ये राउंड बॉडी का यूज करते हैं। तो ये देखिए वाइक्रल 180, वाइक्रल 90 एंड वाइक्रल 0 भी आता है एंड 20 भी आता है, 30 भी आता है, 40, 50, 60। इस हिसाब से जिस टाइप की सर्जरी होती है उस टाइप का सूचर यूज करते हैं। अब देखिए ये है वाइक्रल, इसको बोलते हैं वाइक्रल। तो ये 4 मीटर यानी 90 सेंटीमीटर का है, तो इसको बोलते हैं 90, वाइक्रल 90 बोलते हैं। ये राउंड बॉडी होती है यानी 40 सेंटीमीटर में इससे हाफ सर्कल राउंड बॉडी के अंदर आता है। तो जैसे हम सूचरिंग करते हैं तो सबसे पहले 180 का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें कभी भी धागा यानी कि सूचर कम पड़ जाता है तो हम इसका यूज करते हैं। एब्जॉर्बल है एंड ये भी एब्जॉर्बल है। अब नॉन एब्जॉर्बल में आते हैं,
ये देखिए, ये इसको बोलते हैं एथलॉन, ये सूचर को एथलॉन बोलते हैं। हमने दो टाइप्स का आपको बता दिया, वाइक्रल एंड क्रोमिक। अब ये आता है एथलॉन, तो ये 2-0 है, तो यहाँ पे ये 3-0 भी आता है, 1-0 भी आता है, एंड 3-0, 4-0, 5-0 इस हिसाब से आता है। ये 45 mm का 3x8 सर्कल का होता है, एंड रिवर्स कटिंग होती है इसको भी रिवर्स। और जो इसका वो होता है निडल, वो सी शेप्ड की होती है, बहुत ही ज़्यादा शार्प। एंड जो ये सूचर है इनके अकॉर्डिंग वो बहुत तो थोड़ी सी इतनी सी बड़ी होती है, इससे साइज में बड़ी होती है। तो ये सूचर का यूज़ तब करते हैं जैसे कि ऊपर सुपरफिशियल स्किन लगाने में इसका यूज कर सकते हैं, जहाँ से जब वो सूचर की हीलिंग हो जाए तो हम ये सूचर को कट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बल है, ये मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं होता है, जैसे टीयर रिपेयरिंग के लिए है, स्किन लगाने के लिए आफ्टर सर्जरी जो सुपरफिशियल स्किन होती है वो उसको लगाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा कि मैंने इस टाइप के सूचर बताए, बस इसके नंबर्स अलग अलग होते हैं और सूचर यही होते हैं, ब्रांड अलग अलग हो जाते हैं, कंपनी अलग अलग हो जाती है, लेकिन जो सूचर्स का काम होता है वो यही होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को हर टाइप्स के सूचर्स बता दिए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ सके। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को मेक श्योर एक लाइक ज़रूर करिएगा, एंड जो लोग अभी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।